सर्दी इसलिए रांची का सर्दी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सर्दी है। हेलो मैम। हाय, क्या नाम है आपका? प्रीति सिन्हा। प्रीति? या प्रीति मीन्स प्रीटी। ओ प्रीति मीन्स प्रीटी, प्रीटी गर्ल, प्रीटी वुमन, प्रीटी वुमन। सर्दी सेलिब्रेट करने का क्या फंडा है आपका? बहुत मस्ती है, बहुत मजा आता है। मुझे तो सच पूछो तो गर्मी और वो बारिश किससे ज्यादा, मुझे ये हल्की हल्की जो ठंड आती है ना, बहुत मजा आता है। हल्के कपड़े पहन लो, अगर अभी की रांची की सर्दी बोलो तो ना बहुत ठंड है ना बहुत कम है ठंड, मैंने बीच का है, तो बड़ा मजा आता है। हल्का सा कुछ भी डालो और एक स्कार्फ लगाओ और मस्ती करो। अच्छा, नॉर्मली हम किटी पार्टी को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज आपकी थीम है विंटर वेलकम पार्टी। तो कैसे वेलकम कर रही हैं आप विंटर को? ये जैसे विंटर आया, एक तो मैं बता दूं कि हम लोग जब भी किटी करते हैं, हमारा अच्छा खासा एक बड़ा ग्रुप है जैसा आप लोग देख रहे हो, तो हम लोग इसमें कोई भी ओकेजन आता हो तो उसको सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो सावन मिलन हो, एवरीथिंग। तो और जब विंटर आया तो मैंने बोला कि चलो फ्रेंड्स, एक अच्छा सा हम लोग गैदरिंग करते हैं, इसमें कुछ मस्ती करते हैं, हल्का हल्का आप लोग कुछ वुलन कुछ पहनो, ज्यादा नहीं, और कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर लाओ, और इसको हम लोग गाने के साथ और सर्दी के गाने के साथ खास करके, और हम लोग काफी कुछ इसमें एंजॉय करते हैं। विंटर को लेकर के सबसे फेवरेट गाना आपका? बोल दो। थोड़ा सा चीप है जो मेरी फ्रेंड ने बताया, सर का ही लोग कटिया जाना लगे। अच्छा, बेसिकली करती क्या है? मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, मैं राग रंग की डायरेक्टर हूँ, और मैं काफी कुछ सीखी हुई हूँ, म्यूजिक, पेंटिंग, क्लासिकल, कथक, मॉडर्न डांस और क्लासिकल म्यूजिक, ब्यूटिशियन, एवरीथिंग, मल्टी। मैंने काफी कुछ अपने लाइफ में किया है, काफी कुछ किया है, स्टार्टिंग से लेकर बोलूं तो मैंने कपड़े सेल तक किए हैं, स्कूल में 5 इयर्स जॉब किया है, मुझे काफी जगह से सक्सेस वुमन का अवार्ड भी मिल चुका है। क्योंकि आप कोरियोग्राफर हैं तो एक विंटर स्पेशल परफॉर्मेंस हो जाए आपकी तरफ से। ओके, आप गाना बजाओ, जरूर हमारी सारी फ्रेंड्स करेंगे। किसी के साथ ब्रेकअप नहीं किया? नहीं, मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा, मेरा पति मेरा देवता है। हेलो मैम, आप काफी झूम रही हैं, क्या नाम है आपका? पूनम। आप कैसे वेलकम कर रही है विंटर को? विंटर मैं वेलकम क्या करूँ, फुल फन एंड मस्ती। यू अच्छे अच्छे गेटअप पहनो, अच्छे अच्छे जैकेट पहनो, घूमो फिरो, खाओ ऐश करो। विंटर की शॉपिंग हो गई अब? हाँ बिल्कुल हो गई। फैशन फर्स्ट है आपके पूनम की? पर्सनली मेरे लिए, इट्स माय पर्सनल चॉइस। और घर के लोगों का कैसे ख्याल रखती हैं आप विंटर? घर के लोग तो प्रायोरिटी हैं, तो वो उनको तो रखना ही है, लेकिन वो प्रायोरिटी पूरी करते हुए मैं अपने ऊपर भी पूरा ध्यान रखती हूँ।
आपकी सर्दी सेलिब्रेशन को हम समझ सकते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में पसीना निकल आया। बिल्कुल, पसीना जब तक नहीं निकले तब तक क्या मजा, मस्ती मतलब पसीना। बात करें रांची की सर्दी की, अरे कैसे देखती है? सब तो बहुत अच्छी है यहाँ की सर्दी, बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं हम लोग सब मिलते हैं, बस जैकेट कोट पहनो, अच्छे अच्छे घूमो फिरो, एंजॉय करो, पिकनिक मनाओ, बस यही है और क्या। हम लोग के लिए तो यही इंजॉयमेंट है और बाकी टाइम तो घर ही देखना पड़ता है हम लोग को। प्री सीजन शॉपिंग कर ली? हाँ, आखिरी सीजन करना है? नहीं नहीं, कर लिए, मेरे भाई की शादी थी इसके पहले ही कर ली है। अच्छा, आपकी शॉपिंग का क्या फंडा है, मतलब सर्दी के लिए पिछली सर्दी में शॉपिंग कर लो या फिर लेटेस्ट चीजों के लिए वेट करो? नहीं, बस जब टाइम मिले, जब मौका मिले तब कर लो, जब मौका मिले तब कर लो, अपने दिल की कर लो। विंटर के बारे में क्या सोचती है आप विंटर को लेकर? विंटर सारे सीजनों का राजा है, बहुत मस्ती करते हैं विंटर के सीजन में। क्या पहनना पसंद है आपको? क्या बस जो है आजकल तो वुलन सूट सभी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में आ रहा है, देख के लगता नहीं है पहले वाला समय चला गया, मोटे मोटे स्वेटर ला दो, शॉल ला दो, वो वाला जमाना तो चला गया। बस जो आजकल तो लेटेस्ट फैशन में बहुत रंग बिरंग के सूट वगैरह आ रहे हैं, लेकिन और कुछ सबसे पर शर्ट पतला सा शर्ट डाल लो। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इक्वल इक्वल वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैम आप काफी मुस्कुरा रही हैं, क्या गम है जो छुपा रही है, चबा रही है? मेरे को कोई गम नहीं है, हम मस्त रहते हैं हर समय। हम मेरा बुटीक है, बुटीक है मेरा, ये 2 साल हो गया है। अचानक से बुटीक स्टार्ट करने का? हाँ, ये आया कि मेरी जो ये प्रीति जो है, प्रीति मेरी फास्ट फ्रेंड है, ठीक है ना, उनसे मैं मतलब ज्यादा मतलब ये हुई तो सोची कि मैं भी कुछ मतलब हाँ आपका नाम लिया क्योंकि मुझे भी कुछ करना चाहिए, जब सारे फ्रेंड लोग कर रहे थे मुझे भी कुछ करना चाहिए तो हाँ। विंटर वेलकम पार्टी चल रही है, आपका क्या फंडा है विंटर को वेलकम करने का, क्या तरीका है, कैसे विंटर में है कि आप कहीं भी बाहर जाइए, सारा दिन आप मतलब धूप में स्पेंड कीजिए, आपको बहुत मजा आता है और घर में भी सब कुछ उसी मूड में रहते हैं कि हाँ आज तो पिकनिक के लिए निकलना है या आज कहीं बाहर डिनर कर लंच के लिए जाना है, इस टाइप का माहौल घर में भी रहता है। आपको देखकर के लग रहा है कि आपको शॉल का बहुत शौक है? जी हाँ, विंटर कलेक्शन जी, अपने कभी अपने फ्रेंड से कभी बाहर से भी, लेकिन ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल से ही हो जाता है। रांची में? हाँ रांची। रांची शॉपिंग के हिसाब से कैसी जगह है? बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आपको हर स्टाइल मिलता है, वेस्टर्न भी मिल जाएगी, ट्रेडिशनल भी मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी जगह है, आपको प्राइस रेंज भी बहुत मिल जाती है। माधुरी जी को तो सब कुछ पसंद है लेकिन यहाँ पर कुछ चीज ऐसी है जो कि इस गाने के लिए परफेक्ट है, बेबी को बेस पसंद है। सेलिब्रेशन के मूड में है, विंटर वेलकम पार्टी चल रही है। हेलो मैम। हेलो, लुकिंग सो गुड, थैंक यू। नीलिमा सिन्हा। नीलिमा आप क्या करती हैं?
मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। अच्छा, मतलब आप ब्यूटिशियन है, आपको देख करके लग रहा है वैसे कि आप ब्यूटिशियन हो सकते हो। थैंक यू। आज तो मौसम बदल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, बीइंग अ ब्यूटिशियन क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? विंटर में स्किन का ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, स्किन ड्राई होने लगता है ना, तो फिर दिन में मॉइस्चराइजर 2-3 बार लगाना चाहिए, सनस्क्रीन लगाना चाहिए, नहीं तो स्किन काले पड़ जाएंगे। फेसियल भी मंथ में 2 बार कराना चाहिए क्योंकि ड्राई होने लगता है ना स्किन। और डाइट को लेकर कोई सजेशन? डाइट को लेकर कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, डाइट भी तो आप ज्यादा भी उस दिन ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ठंड में ठंड में खाना ज्यादा पचा सकते हो, अच्छी अच्छी डाइट ले सकते हो। अच्छा, आप विंटर में पूरी ग्लो कर रही हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे आपको, राज क्या है? राज है बस मैं थोड़ी स्किन का देखभाल करती हूँ, नाइट क्रीम यूज करती हूँ, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और फेशियल कंटिन्यू करती हूँ। ड्राई स्किन एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, एज होने पे स्किन ड्राई होने लगते हैं, तो उसके लिए भाई फेशियल आपको मंथली कराना होगा और फिर नाइट क्रीम डेली यूज करना होगा, तो सुबह मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन, उसके बाद आपको जो मेकअप लगाने लगे ऊपर वो थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच मैम। तो हम आपको मस्ती के साथ साथ कई टिप्स भी दे रहे हैं, विंटर में कैसे अपनी केयर करें, आप अपनी स्किन की कैसे केयर करें। अब हमारे साथ एक और ब्यूटीफुल वुमन है हमारे पास, आप क्या करती हैं? मेरा बुटीक है। बुटीक है आपका? हाँ। मतलब हमारे पास एक फैशन एक्सपर्ट भी मिल गई, द क्लासिक बुटीक। तो विंटर में फैशन भी बदल रहा है सबके मूड के साथ साथ, चॉइस के साथ साथ, तो किस तरह का फैशन अभी ट्रेंड कर रहा है? अभी तो ज्यादातर लॉन्ग कुर्ती, स्कर्ट, ये सब प्लाजो और कुर्ती सब चल रही है, नाइट गाउन, वन पीस गाउन, ये सब चल रही है। तो मैं जो अभी जो फैशन में रहता है वो सब मेरे पास सब पास में रहता है बुटीक में। अच्छा, विंटर में क्या ऐसा पहने कि फैशन भी बना रहे अपना और फैशन भी बना रहे साथ ही साथ अपनी ख्याल भी? डिजाइनर कुर्ती वुलन की, ये फैशन में अभी प्लाजो है, वुलन की प्लाजो, ये सब फैशन में अभी है। तो आपकी जो इतनी सारी सहेलियां हैं, हाँ, ये आपसे टिप्स लेती है फैशन को लेकर? हाँ, मेरे पास खुद भी आती है, ले जाती है मेरे से। अच्छा, आपकी दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त, कोई आपकी ऐसी फ्रेंड, हाँ, जो कि इसकी उसकी फैशन से थोड़ी जलती भुनती हो? नहीं, मेरी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है जो जलती भुनती हो, क्योंकि सब सारी फ्रेंड आती है मेरे घर में। कभी कोई ये नहीं पूछता कि अरे तूने मुझे जो टिप्स दिया उसको क्यों दे दिया? ये बोलती है कि अपने को ड्रेस पहनी बहुत अच्छा है, पहनी हो, हम लोग को नहीं सिखाती हो, ऐसे बोलती है। हम कह सकते हैं कि रांची का मौसम औसम है और लोग हर एक सीजन को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं। और रही बात विंटर की, तो विंटर ऑलमोस्ट हमने जितनी भी किसी से बात की है तो उनका फेवरेट सीजन है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं क्योंकि किटी पार्टी की मस्ती जारी है। रात जागे सुनचैन लगावे, तेरी याद सतावे सुनीन लगावे। ओ मेरे मोहल्ले में चांद जो आया है, ईद जलाया है, तू ही तूने। When all these things are happening, innovation is happening, so what about the employment? Change is a change. Good or bad is a subsequent thing. Paradigm हमने set कर चुके हैं अगर अपने mind में, तो हमको उसको change को स्वीकार करने में दिक्कत होती है। Resisting a change always a bad thing. That is a bad thing. No. Resist जब आप करते हैं, आप अपना open mind से जरूर सोचिए उसको, emotions को दूर रख के और समझ के फिर उसको रजिस्टर करिए या अडॉप्ट करिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जारी है हमारी विंटर वेलकम पार्टी और स्वागत है आपका एक बार फिर से खाने की मेज से। आप देख सकते हैं
की क्या क्या वैरायटी है यहाँ पर, चाहे हम बिहार के लिट्टी चोखा की बात करें या फिर झारखंडी पिट्ठे की बात करें, हर एक फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। हमारी किटीज है जिनके बारे में सिर्फ ये बोला जाता है कि हाउसवाइफ है, तो उनके भीतर का क्या है टैलेंट? और कुछ तो मल्टी टैलेंटेड है जैसे कि प्रीति जी। शुरुआत कर लेते हैं आपसे, कर लो इसमें से आपका फूल कौन सा है जो आपने बनाया? यस, मैं चूंकि आज अरेंज कर रही थी प्रोग्राम तो मुझे बोला गया कि प्रीति जी आप तो कुछ ना ही बनाओ, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ ना बनाऊं और मजा ना आए पार्टी में। तो हाँ, मैंने थोड़ा सिंपल लिया, मैंने छोले बनाए और रेडीमेड स्वीट्स मंगाया है और कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाया है, तो हम लोग इसका आज मजा लेंगे। अच्छा, बाजार से जो आपने स्वीट्स मंगाए उसमें ज्यादा टाइम लगा या फिर छोले बनाने में? छोले बनाने में। चलो, यानी कि आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है। और अगर लिट्टी की बात करें, देखने में ही काफी यमी दिख रहा है, चोखा भी है यहाँ पे, इसे बनाया है किसने? आपके अंदर इतना बड़ा हुनर छुपा हुआ है। क्या नाम है आपका? अनुपमा जी, ये आपको कुकिंग का शौक बहुत पहले से ही है? शादी के बाद मतलब शादी के पहले कुकिंग नहीं करती थी, वक्त और हालात ने आपको एक अच्छा कुक बना दिया। सही बात है। पिट्ठा के बारे में हम आपको बता दें कि बेसिकली ये झारखंड का फूड है, लेकिन बिहार में भी लोग पसंद करते हैं, और बिहार झारखंड का कंबाइंड एक फेवरेट फूड है। और बनाया है किसने? लता जी, आपके अंदर ये इतना अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है, इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, आपने पिट्ठा बनाया, क्या खासियत है आपके पिट्ठे में? ये एक छना हुआ चीज नहीं है, ये मतलब बॉयल किया हुआ है, पानी में भाप से बनती है, तो ये फायदेमंद भी है। और ये एक मिक्स वेजिटेबल लिट्टी है, ये शुगर वाले पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, मतलब हेल्दी है। और कैसे आपने बनाया? चावल का आटा को पानी में चाट लिए, उसको फिर आटा जैसा गूंथ लिए, और चने का दाल को कच्चा पीस के, और उसको फिर भरावन में भर के उसके फिर मसाला डाल के, और ये हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, अदरक, ये सब डाल के पानी में बॉयल किए। अच्छा, पिट्ठा किस चीज के साथ खाते हैं तो जो कि इसका टेस्ट है डबल हो जाता है? धनिया पत्ता की चटनी के साथ। धनिया पत्ता की चटनी, जहाँ तक मुझे पता है कि मीठा पिट्ठा भी होता है। मेरे पास इतनी टाइम नहीं थी कि मैं इसलिए बना नहीं पाई खोवे की पिट्ठा। मुझे लगा कि शायद आप ज्यादा नमकीन हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम कम थी इसीलिए मैं जल्दी जो बन पाया वो मैं बना के लेके आई थी। बेसिकली अपने लिए बनाया, अपनी चॉइस है या फिर फ्रेंड की चॉइस है? सब फ्रेंड लोगों को काफी पसंद है इसीलिए। ये ठंडा का ही आइटम है। हाँ। इसीलिए मैं बनाई। क्या है यहाँ पर? पनीर चिली। हाँ, मैं जानती हूँ चाइनीज ऑल टाइम फेवरेट, तो बच्चे हो चाहे जवान हो बूढ़े हो, हर किसी को चाइनीज पसंद आता है। तो चलो, सब फन एंड मस्ती के मूड में है तो खाना क्या, थोड़ा स्नैक्स और चाइनीज आइटम हो जाए तो फिर क्या बात है। जब आप पनीर चिली बना रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या इसे पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी आप, या फिर गाने पर ध्यान था आपको? जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान कुकिंग पे ही रहता है, क्योंकि जानती हूँ अगर मेरा ध्यान इधर उधर गया तो या तो मेरी पनीर चिली बिगड़ेगी या मेरा गाना का सत्यानाश होगा, खराब। हाँ, यस, तो इसलिए मैंने फुल कॉन्सेंट्रेट किया अपने पनीर चिली पे। अब ये तो मेरे फ्रेंड्स बताएंगे कि बना कैसा है। बिल्कुल, ये हम भी बताएंगे कि आखिर बना कैसा है। पहले अब हम बात कर लेते हैं इडली की। देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है, सूजी की इडली है, किसने बनाई? मैम, आपसे हम अभी तक नहीं मिल पाए, आपका नाम? पुष्पा, मतलब फूल मतलब हिंदी वाला। अब कुकिंग आपकी हॉबी है? हॉबी भी है और जरूरत तो है, हॉबी बनाना भी पड़ता है, जरूरत तो है। लेकिन जब जरूरत आपकी हॉबी बन जाती है तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कुछ इस तरह जैसे आपकी इडली दिख रही है। हाँ, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है कि ये बनाए वो बनाए, क्योंकि अब फैमिली वाले भी खुश रहते होंगे, ये भी कोई फरमाइश करते होंगे, आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करते होंगे। हाँ, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग का मेन काम तो कुकिंग का ही है, घर में बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना। तो बताएं कि आपकी जैसे आपने ये सूजी की बनाई है? ये करी पत्ता, राई और हरी मिर्च के ये तेल में देकर सूजी को फ्राई किया हल्का, और दही और ये इनो देकर और नमक देकर ओवन में माइक्रोवेव में स्टीम कर दिया। आज के सूजी की इडली
कुछ खास? बहुत हाइजीनिक है और वो स्टीम किया हुआ है। और ये क्या बिल्कुल स्टीम है, अभी भी बनी हुई, हेल्थ के हिसाब से भी सही है? हाँ, हेल्थ के हिसाब से भी सही है। ऐसा नहीं अब 40 के बाद तो लोग वायर मना करते हैं खाने के लिए, तो हाइजीनिक है और ब्रेकफास्ट के लिए सही है। फूड कौन सा है? हम तो बिल्कुल ट्रेडिशनल ही खाते हैं ये। इंडियन? हाँ, इंडियन। इंडियन इंडियन में क्या? प्लेन चपाती रोटी सब्जी वही सब ज्यादा पसंद है। क्योंकि कुकिंग आपकी हॉबी है। हाँ, कोई फेवरेट डिश जो आपकी फैमिली की हो, सबसे ज्यादा फरमाइश किस डिश की जाती है आपसे? बच्चे है एक तो बिरयानी ही ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब आपके हाथ की चाउमीन और चिली। हाँ, चाउमीन चिली बिरयानी, हम काफी फेमस है, जानी मानी हस्ती के तौर पर जानी जाती है। क्या बात है। और यहाँ पे चाउमीन भी है, चाउमीन किसने बनाया है हम आपको वो भी दिखाएंगे, और क्या क्या कुकिंग टिप्स हैं इनके वो भी हम आपको बताएंगे आज की किटी पार्टी में। चाउमीन के लिए सबसे पहला टिप तो यही है कि जब पानी पूरी तरह से बॉयल होने लगे, थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के आप चाउमीन को डालिए और इमीडिएट उसको ड्रेन करके कोल्ड वाटर से धो दीजिए, तो वो कभी चिपकेगा नहीं, कभी स्टिकी नहीं होगा। और उसके बाद आपके वो आपके डिश पर है सारे वेजिटेबल्स, पनीर जो भी डालना चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ पनीर, ये चाउमीन स्टिकी ना हो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप ज्यादा लेट नहीं करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि सभी के मुंह में पानी आ रहा है आई एम श्योर, जिसने बनाया है उसका भी, और जिसने सस्ते में निपटा दिया है हमें छोले के साथ या चिप्स के साथ, उसके भी मुंह में पानी आ रहा है। आज की किटी पार्टी में फिलहाल इतना ही, हम यहाँ पे फूड एंजॉय करते हैं। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात ऑन द सेम डे सेम टाइम।